हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, अभी हम सुबह सुबह बहुत जल्दी हो चुके हैं रेडी। और क्यों हुए हम, क्योंकि हमें कहीं पे जाना है गाइस। और उससे पहले गाइस, सबसे पहले मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लेट आई है। और वो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि गाइस है ना, मेरे क्या बोर्ड एग्जाम चालू होने वाले थे, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए मैंने सब कुछ, जितना भी मैं मतलब एक्सरसाइज वगैरह हर चीज़ करता था, जिम वगैरह सब छोड़ दिया। और अब फाइनली बोर्ड एग्जाम खत्म हो चुके हैं, तो हाँ ठीक है, माफ़ कर देना। और गाइस, अभी हम जा रहे हैं उज्जैन महाकाल जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे पैकिंग वगैरह हो चुकी है, मम्मा जी कर रही है अभी खाने की तैयारी। आज खाने में भिंडी बनी है इस समय, मेरी मस्त गर्मा गर्म चाय आ चुकी है, मैं अभी खा रहे हैं अपना गर्मा गर्म खाना, इसके बाद निकलेंगे। तो गाइस, फाइनली हम सब रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए। और पवन एक्साइटेड हो रहा मेरे, अरे भाई मुंह पे घुस गया। पवन एक्साइटेड है, क्यों नहीं है, सही बात है भाई। चलो लगेज पैक हो चुका, तो चलो चलते नीचे भाई, सब निकल रहे हैं। ये पहले नीचे आ गया। और भवन भाई, भैया बहुत अजीब से एक्साइटमेंट हो रही है यार। अब क्या कैसे कॉफी है, वैसे ऐसे स्थानों पर जाते हैं ना, धार्मिक स्थानों पर, तो अलग ही टाइप की एक्साइटमेंट होती है भाई मेरे को तो। देखो इधर देख यार, फनी शक्ल दिखती है इसके पास से, जानू उसके करता है ऐसा। तो भाई मम्मा जी भी आ चुकी है। मैं क्या इतने दिनों के ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है मुझे, धीरे धीरे आदत बन जाएगी। डिग्गी में रख दिया है, तो वो इस कार में बैठ चुके हैं। यहाँ पे अभी फिलहाल पापा जी गाड़ी को पूरा चेक करवा रहे हैं, रास्ते में फिर कुछ हो गया तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए यहीं से चेक करा के लेके जा रहे हैं पूरा। 5 minutes later भाई, अभी हम आए पापा जी के ऑफिस में ये बोतलें भरने के लिए, रास्ते के लिए पानी, बाकी भी चलते जल्दी। अब बाकी कार में ऑयल वगैरह भरवा लिया है पापा जी ने, स्पोनर में, तब तक कॉफी पी रहे हैं। ये कितने ठीक है इस घर से, ये यही बोलने वाला था है ना। अब यहाँ पे टायरों में हवा भरवा रहे कार की, और इसी साथ हमारी कार हो चुकी है फुल, अब मतलब फुल कंप्लीट हो चुकी है, तो अब चलते हैं। बता, सब बढ़िया? ये क्या कर रहा है, मतलब पता नहीं पड़ा अभी नहीं, क्यों? अच्छा गर्मी के चक्कर में बोल रहा है, धूप तो बहुत तेज हो रही है आज। तो भाई तुम यहाँ पे रुके कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि बहुत देर हो गई थी। तो सबसे पहले हम खा रहे हैं पताशे और दही पापड़ी। तो गाइस, अभी हमने यहाँ पे दिया है पपड़ी चाट, ये पेटीज है, और ये समोसे और कचौड़ी है। तो गाइस अब यहाँ से बाहर निकल चुके हैं, मम्मा जी ने लिया है यहाँ पे मैंगो शेक, बाकी हमने चिप्स भी लिए थे। यहाँ से 3 घंटे भी बचे हैं, फिर हम पहुँच जाएंगे महाकाल जी के दर्शन करने के लिए। जब भी यहाँ पे ऐसे पवन चक्की आती है ना, हम समझ जाते हैं कि बस आने वाला है उज्जैन। अच्छा ठीक है, 2 घंटे लगेंगे। ये तो बस पवन चक्की के आने का मतलब है कि हम सही राह पे चल रहे हैं अभी। पवन चक्की जो आपने देखी है, इससे इसका मतलब ये है कि हम सही रास्ते पे हैं। तो मैंने बोल दिया, एक प्रॉब्लम हो गई थी कि मेरे हस्बैंड की ये कॉल आ रहे थे, बहुत बात करते हुए उन्होंने एंड्रॉइड पता नहीं क्या मोड़ दिया, और हम जाने लगे। तो आधा 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 घंटा वैसे लेट हो चुके हैं, हमें सही रास्ते में आने के लिए जरूरत पड़ी। प्रूफ क्या भाई? पवन तेरा सही है, चॉकलेट पिघल गई थी इसको जमाने के लिए ऐसा कर रहा है। एसी में से थोड़ा जमगी यार, जम जाती है, देखते हैं। फाइनली उज्जैन पहुंच चुके हैं हम, कारें भी पार्क कर दी हमने, बाकी ये कुछ गिफ्ट है पंडित जी के लिए, जो हमें अंदर दर्शन के लिए लेके जा रहे हैं। आपको पता ही कि वहाँ पे अंदर तक कार जाती नहीं है, जहाँ पे मंदिर है मेन, तो हम यहाँ से ऑटो करेंगे। ट्रैफिक जाम हो गया, ऑटो से उतर चुके हैं और मंदिर पहुँच चुके हैं। भाई इस गली में भी इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती है, क्या बताऊँ। आ चुके हैं यहाँ पे, तो
अब यहाँ पे चप्पल जूते जमा करके फिर जाएंगे मेन मंदिर के अंदर। भाई नज़ारा बहुत ओवर पावर है सच्ची में, मज़ा आ गया ऐसे सीन देख के। कितनी पॉजिटिव वाइब आ रही है यार, है ना। ये जो जगह है ना गाइस सामने, ये कैमरे में देखने में इतना अच्छा नहीं लगेगा, आपको आपको रियल लाइफ में आके देखना पड़ेगा ये, तभी आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। कैमरे में इतना अच्छे से समझ नहीं आएगा, है ना। बहुत प्यारी जगह है भाई, चप्पल जूते उतार रहे हैं भाई, नेक्स्ट लेवल। मम्मा जी बोलो महाकाल महाराज की जय, महाकाल जय महाकाल। सच्ची में यार इस जगह पे आते एक अलग ही वाइब आती है, बहुत ही पॉजिटिव। फोटो शूट जय महाकाल दोस्तों, जय महाकाल। आपको भी दर्शन कर लो, ऊपर टीवी में तो करा ही दूंगा, वहां का पता नहीं। दर्शन हो चुके हैं और बहुत ही नेक्स्ट लेवल दर्शन हुए सच्ची में, और अब चलते हैं यहाँ से। अरे वाओ, सारे गाइस हमें प्रसाद लेने के लिए प्रसाद ले लिया है और अब चलते हैं। ये देखो यार इसके जब रंग चेंज होते हैं ना ऐसे, तब बहुत प्यारा लगता है। जूते पहनने के लिए अब पहुंच चुके हैं यहाँ पे, बाहर आ चुके हैं जूते पहन के हम। वैसे मुझे बिल्कुल नहीं पता आपको आवाज़ आ रही होगी कि नहीं, लेकिन यहाँ पे हर हर महादेव के बहुत प्यारे नारे बज रहे हैं। मतलब दिल से एक्साइटमेंट वाली फीलिंग जो होती है ना वो आ रही है बहुत ज़्यादा। आप सुनो अगर आपको आ रही हो तो। कुछ मैं बता रहा हूँ गाइस, हमें टाइम कैसे निकला पता ही नहीं लगा, जब आए थे तब तो शाम हो रही थी, रात हो गई इतनी जल्दी। मंदिर से बाहर निकलते गाइस यहाँ पे हम मार्केट में आए हैं। मम्मा जी मार्केट मतलब शॉपिंग मिल चुका है, अब चलो चलते कार की तरफ। बैठ चुके हैं इस कार तक पहुंच चुके हैं और अब चलते हैं आगे वापस, डिनर करने जा रहे हैं गाइस सीधा। तो इस कार में बैठ चुके हैं, अब जा रहे हैं खाना खाने के लिए। कितना प्यारा लग रहा है ना, के अंदर आ चुके हैं। हमने सबसे पहले मंगवाया टमाटो सूप, इस पर मैं आपको दिखाना भूल गया था, लेकिन आज हमने खाने में दाल मखानी और कढ़ाई पनीर मंगवाया था साथ में रोटियाँ। बाकी भी मस्त खाना वगैरह खा के फ्री हो चुके हैं हम और अब चलते हैं। यहाँ पे मम्मा जी छाछ पी रही है गाइस और हमने कोल्ड कॉफ़ी मंगवाई थी। चलो चलो ना, क्या वहाँ अभी हमने खाने के बाद लिया आइसक्रीम। अपने सफर में वापस आगे निकल चुके हैं हम, अब सीधा गाइस होटल ढूंढना है हमें। फिलहाल हम अपने नाना के यहीं पे रुकने वाले हैं इस बार भी, जैसे अगर आपने मेरा लास्ट टाइम वाला ब्लॉग देखा हो तो उस वे वहीं पे रुके थे, और नहीं देखा तो देख लेना जाके। ये यहाँ पे इतनी प्यारी मूर्ति है शिव जी की तो फोन उतर गया। कैसी लग रही है मम्मा जी, है ना भाई स्माइल आगे आगे। तो गाइस अभी हमने यहाँ पे रुक के लिया था गन्ने का जूस जो कि बहुत टेस्टी है सच्ची में, और बाकी मम्मा जी ने ना यहाँ पे मम्मा जी की एक बहुत फेवरेट चीज मिलती है, क्या नाम है उसका, नारियल का कोकोनट शेक। गाइस गजब उन्होंने रख क्या ना, गुड बॉय मम्मा जी दिखाओ ना। तो गाइस अभी मम्मा जी का आ चुका है कोकोनट शेक। तो गाइस अभी ये बॉम्बे हाईवे आ चुका है और पापा जब भी गाड़ी चला रहे हैं और गगन ऐसी बैठा हुआ है और मम्मा जी सो गए शायद नहीं जगी हुए। वो इस फाइनली होटल पहुंच चुके हैं। बस 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 मेन उस दिन खाटू श्याम गए थे हम जब बात करी थी वो। तो गाइस फाइनली होटल तो पहुंच चुके हैं, अभी बहुत ज्यादा नींद आ रही है गाइस क्योंकि आप टाइम देख सकते हो 12:40 सुबह के 1 बजने वाली है गाइस, और अभी हम यहां पे रुकने वाले गाइस। जर्नी बहुत लंबी है, कल हमें यहां से सुबह उठ के बहुत जल्दी कहीं पे जाना है और आगे के लोग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले, देखना मत भूलना ठीक है। आंखों में देखो नींद भरी है पूरी। तो आई होप आपको आज के लोग पसंद आए हो, अगर कुछ भी पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे आप नए हैं सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।